तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी दोस्तों इस वीडियो में एक चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि अभी 17 दिन है, तो 17 दिन के अंदर फार्म में मैनेजमेंट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कौन सा मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लीटर का कंडीशंस कैसा होना चाहिए। तो हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स दूंगा इस वीडियो में। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा एंड तक देखिए और अभी मेरे फार्म में जो बाढ़ का प्रॉब्लम है उसके बारे में पूरा डिटेल्सली चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, पहली बात है कि अभी बाढ़ में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आपको पता होगा कि कौन सा चीज़ किस टाइम पे है तो उसके हिसाब से आपका जो मेडिसिन है उसका स्केड्यूल बनाना चाहिए। प्रॉब्लम अगर ना हो तो स्केड्यूल जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अभी दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया था मेरे बाढ़ में, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है कि बाढ़ में CRD जैसी चीज़ होने लगी, क्योंकि अभी वेदर बहुत अप डाउन है उसके वजह से बाढ़ में CRD जैसी डिजीज़ होने लगी। उसके वजह से बाढ़ क्या करते कि फीड इनटेक काम करना शुरू कर देते, इकट्ठा होने लगता है। तो वेदर तो आपका कंट्रोल में नहीं होता लेकिन मैनेजमेंट आपका कंट्रोल में होता है। तो जब कभी भी लगे कि बाढ़ में CRD जैसी चीज़ होने लगती है, बाढ़ फीड इनटेक कम कर देते हैं, खिच आवाज़ आने लगती है, तो इस टाइम पर आपका जो मैनेजमेंट है वो जो एक्सपीरियंस आपने इतने दिन तक जो ऑब्ज़र्व किए हैं वो काम आते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने दो बार जेंटामेसिस किया, एक बार मुझे लगा कि बाढ़ का जो पानी का कंजम्पशन है वो बहुत कम है तो इसके वजह से इकोलाई आ सकती है, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर के वजह से भी बाढ़ में दिक्कतें आना शुरू हुआ था। तो मैंने हर एक मेडिसिन इंप्लीमेंट करने से पहले मैंने जेंटामेसिस कर लिया। जेंटामेसिस करने क्या होता है कि वो एक इंजेक्टेड मेडिसिन होता है जिसको देने से बाढ़ में डायरेक्टली एक मेडिसिन इंजेक्ट किया जाता है। तो जेंटामेसिस मैंने किया था, उसका एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था आप लोगों को। तो जेंटामेसिस करने के बाद मैंने बाढ़ ने देखा कि जो खिच जो आवाज़ है वो कुछ कम होने लगे हैं और अभी भी 100% कम नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने CLO2 से स्प्रे किया। CLO2 क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर भाई मुझे सवाल करते हैं CLO2 क्या होता है। तो सुगना कंपनी का फार्मर है वो मेडिसिन ले आ सकती है, क्योंकि सुगना का खुद का एक पेटेंट है। तो CLO2 मार्केट में शायद आसानी से वो नहीं मिलते। तो वो क्या होता है, दोनों मेडिसिन को पंच करके बनाया जाता है, पार्ट ए पार्ट बी है। तो अगर आपके पास CLO2 ना है तो कोई भी जो स्प्रे आते हैं मार्केट से वो कीजिए। आपका बाढ़ अगर 6 से 8 दिन के ज़्यादा एज का है तो आप स्प्रे आसानी से कर सकते हो। बाढ़ के शरीर में ना करो तो पूरा उड़ा कर भी ऐसे करो जो डायरेक्टली बाढ़ को ना भिगाए। तो स्प्रे दोस्तों ज़रूर करवाना चाहिए, दूसरी बात है। और तीसरी ही कि लीटर का पूरा मैनेजमेंट ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लीटर ख़राब होगा तो बाढ़ में दिक्कतें बढ़ सकती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों पानी का इंटेक कितना होना ज़रूरी है इस बारे में भी हम बात करते हैं कि पानी क्या होता है कि बाढ़ अगर मान के चलिए कि 2 बैग फीड खा रहा है, तो 2 बैग मतलब 120 kg फीड अभी मान के चलिए खा रहा है, तो लगभग 300 से 400 लीटर पानी बाढ़ को पीना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पानी इंटेक होता है, जैसे कि 100 kg अगर फीड खाते हैं तो 300 ml पानी, 300 लीटर पानी बाढ़ इंटेक करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर कम हो रहा है तो बाढ़ को पानी पिलाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, बार बार पानी उठाने की कोशिश कीजिए टैंकी में, या फिर जो बाढ़ को डिस्टर्ब करवा करके पानी देने की कोशिश कीजिए, पानी का जो जगह है उसको भी बार बार साफ़ कीजिए, तो पानी का जो कंजम्पशन है वो सही होगा। और लीटर को दोस्तों दिन में 2 बार रैकिंग ज़रूर कीजिए, दिन में 1 बार स्प्रे ज़रूर कीजिए। ये सारी चीज़ बेसिक मैनेजमेंट में आते हैं। तो अभी बाढ़ ने रिकवरी करना शुरू कर दिया, तो सुबह के टाइम में इम्यूनिटी बूस्टर दे रहा हूँ जिसमें बाढ़ को इम्यूनिटी मिले। उसके साथ मैं इलेक्ट्रोल पाउडर की भी दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोल के बाढ़ का जो स्टेज वगैरह है वो कम है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रात के टाइम में मैं एक एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें एंटीबायोटिक का जो डोज है वो मिलता रहे, और उसके साथ साथ मैं और एक मेडिसिन इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ जो एक पाउडर फॉर्म में आते हैं जिसमें बाढ़ का इम्यूनिटी सही हो। तो अभी इम्यूनिटी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो ये मेडिसिन कंप्लीट होने के बाद या फिर इसके साथ साथ अगर हो सके तो मैं लीवर टॉनिक भी इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अभी जो बाढ़ का फीड है वो चेंज होगा 2 से 3 नंबर पर, तो लीवर टॉनिक भी एक बार इस्तेमाल करूँगा जो लीवर फंक्शन के लिए सही होगा, ठीक है। तो लीवर टॉनिक भी मैं एक दिन के लिए अभी इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों यही एक सिंपल सा मैनेजमेंट है, और अभी बाढ़ में जब तक बाढ़ पूरा रिकवरी ना हो तो मल्टीविटामिन कोई भी इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। तो उसको रिकवर करने के बाद मैं बी कॉम्प्लेक्स या फिर मल्टीविटामिन जो भी होगा वो 2-3 दिन में पंच करके चलाऊंगा, जो बाढ़ का
ग्रोथ है वो अच्छे से पकड़ ले इसके लिए दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों इस बात पे ही ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार रिव्यू देता हूँ बिजियो में कौन कौन चीज़ में फोकस कर रहा हूँ। एक है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या आता है कि पानी ताज़ा बाट को देना चाहिए, फीड ताज़ा देना चाहिए, अंदर का एटमोसफियर सही रहे, बदबू ना होने वाले, लीटर सही से रहे, ये सारी चीज़ मैनेजमेंट पर फोकस होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वार्ड का फीड कंजम्पशन सही हो, बाद में जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए आपका एडवांसली प्रिपरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, तो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा मुनाफा देगी दोस्तों। और जो जो सुगना के फार्मर है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि जो मेडिसिन मैं रिकमेंड करता हूँ सुगना का ही होता है, क्योंकि उस कंपनी से ही सारे मेडिसिन हमें मिल जाते हैं। अगर आप सुगना का फार्मर नहीं है तो लीवर टॉनिक कोई भी बाजार से खरीद ले सकते हो, सुगना का कोई भी लीवर टॉनिक नहीं आता। और ऐसी जो मेडिसिन है जैसे कि इम्यूनिटी बूस्टर, वो आप मार्केट से भी आपको मिल सकते हैं। CLO2 के अलावा सारी चीज़ आपको मार्केट से मिल सकती है, ठीक है। तो अभी दोस्तों यही पर वीडियो ख़त्म करते हो। आने वाले टाइम में बहुत वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा जिसमें बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को फार्मिंग के रिलेटेड मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।